घोसी उपचुनाव जिसे एनडीए बनाम गठबंधन की लड़ाई माना जा रहा है, जिसको लेकर सबकी निगाहें शुक्रवार को नतीजे पे टिकी हैं कि घोसी में कमल खिलेगा या फिर दौड़ेगी साइकिल। लेकिन अब इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि शुक्रवार सुबह 8 बजे से मतगणना होनी है, जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर इस बार करीब 28 दलों का विपक्षी गठबंधन इंडिया बना है। इस बार मुकाबला एनडीए बनाम विपक्षी गठबंधन इंडिया का है और इसी बीच घोसी उपचुनाव भी है, जिसमें कांग्रेस समेत गठबंधन के कई दलों ने सपा को समर्थन किया है। ऐसे में घोसी उपचुनाव गठबंधन की साख का चुनाव है। आपको बता दें, घोसी उपचुनाव के रण में सपा से सुधाकर सिंह और वहीं भाजपा से दारा सिंह चौहान है, दोनों ही कद्दावर नेता हैं। ऐसे में इस बार का मुकाबला कांटे की टक्कर का होने वाला है। लेकिन इस बार दोनों पार्टियों द्वारा धुआंधार प्रचार करने का कोई खास असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस बार भी 2019 की तरह महज 51% ही मतदान हुआ है। बताया जा रहा है कि इस बार के चुनाव में दलित वोटर्स जीत हार का फैसला करेंगे, क्योंकि इस चुनाव में निर्णायक भूमिका दलितों ने निभाई है। मतगणना को लेकर प्रशासन ने 19 टीमें बनाई हैं। बताया जा रहा है कि 14 टेबलों पर वोटों की गिनती की जाएगी। चारों तरफ सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिसका जिम्मा खुद SP संभालेंगे। खैर जो भी हो, लेकिन अब तो कल ही पता चलेगा कि दमखम लगाने के बाद घोसी उपचुनाव का ताज किसके सिर पर सजेगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।